नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा कोचिंग क्लासेस रावसर में आपका स्वागत है। हम इससे पहले हृदय की संरचना, मेंडल की अनुवांशिकता के नियम और रक्त के संचरण के बारे में जो अध्ययन कर चुके हैं, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत हुए आपके सामने। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन और उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं विटामिन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। वो ट्रिक है विक्टू हॉपकिंस कुकर को फूंक मारकर बंद कर देता है, यानी ये जो बी आया इसका मतलब है विटामिन। और इस विटामिन के जो खोजकर्ता है, विटामिन के खोजकर्ता हॉपकिंस है। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। और इसमें जो ये फूंक शब्द है, यानी सबसे पहले जो विटामिन जो शब्द देने वाले साइंटिस्ट थे उसका नाम है फंक, जिन्होंने 1911 में ये जो है विटामिन शब्द नाम दिए। विटामिन हमारे शरीर के अंदर भोजन के द्वारा जो है ग्रहण किए जाते हैं, और ये जो विटामिन है इनको दूसरा जो नाम है विटामिन का, दूसरा नाम रक्षात्मक खाद्य भी कहते हैं। विटामिन होते क्या है? विटामिन हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन जो है ये उपापची क्रियाओं के लिए जो एंजाइम होते हैं, जो आवश्यक एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करने का कार्य करते हैं, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। विटामिन जो होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इन विटामिन्स की कमी से मानव शरीर के अंदर बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और यानी विटामिन की जो विलेयता है उसके आधार पर विटामिन्स को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो ऐसे विटामिन्स होते हैं जो जल के अंदर घुल जाते हैं, और एक ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि वसा में विलेय होते हैं, यानी घुलनशील होते हैं। तो उनकी हम चर्चा करते हैं, यानी मुख्य रूप से विटामिन्स को दो भागों के अंदर, दो वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर एक वसा में विलेय विटामिन्स, और दूसरा जल में
विले है विटामिन। अब इसके याद करने का तरीका ये रहेगा कि वसा में जो विले है इसको एक ट्रिक है कि अधिक खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, यानी अधिक खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। मतलब अधिक जो शब्द है इसका मतलब है ए डी ई और के, और मोटा यानी मोटापा जो होता है वो वसा की वृद्धि के कारण होता है। तो यानी ऐसे याद रखेंगे अडेक यानी वसा में विले, तो अडेक जो है अर्थात विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के जो है वसा में घुलनशील होती है। इसी तरीके से बात करें जल में घुलनशील यानी जल में जो विलेय विटामिन है तो इसके लिए भी एक ट्रिक आपको याद करनी है, वो रहेगी सी बी जल का तैराक है। सी बी क्या है? जल का तैराक है, अर्थात विटामिन सी व बी जल में विलयशील विटामिन होती है, जल में विलेय विटामिन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वसा में घुलनशील या फिर विलयशील जो है विटामिन होती है उसके बारे में। तो वसा में जो एक नंबर बात करें तो एक नंबर पे रहेगा विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्रोत की, यानी विटामिन जो ए है इसका स्रोत क्या होता है, यानी इसके लिए एक ट्रिक आपको याद करनी होगी, वो है हरी पत्ती में यह अंडा। मतलब हरी से मतलब हरी सब्जियां और इसमें पैच वाले यानी पत्ता गोभी, और ये जो मैं आपको दिखाई दे रहा है मतलब मछली, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब है यकृत, और ये अंडा, यानी ये इसे स्रोत रहे हरी सब्जियां पत्ता गोभी मछली यकृत और अंडा। इसके बाद में ये जो विटामिन ए होता है यह एक दृष्टि वर्णक जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन का निर्माण करता है, रोडोप्सिन का निर्माण करता है। इसके अलावा यह जो विटामिन है यह त्वचा की सुरक्षा भी करता है, त्वचा की सुरक्षा भी करता है। इसके अलावा जो श्वसन उपकला होती है उसको भी स्वस्थ बनाए रखता है, श्वसन उपकला को भी क्या करता है ये स्वस्थ बनाए रखता है। और बात करें तो यानी त्वचा की सुरक्षा करता है, श्वसन उपकला को स्वस्थ बनाए रखता है, इसीलिए इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, यानी रोग, तो विटामिन की कमी हो जाए यानी इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिरोथेलेमिया यानी जो आंख का कॉर्निया होता है उसमें शुष्कता आ जाती है, आंख की कॉर्निया में
सुषुप्ता, आंख के कॉर्निया में सुषुप्ता आ जाती है। और दूसरे रोग की बात करें तो यानी रतौंधी, कौन सा रोग? रतौंधी। इसमें व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये था विटामिन ए, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा कि इसकी कमी से होने वाला जो रोग है तो होता है जेरोप्थैल्मिया, जिसमें कॉर्निया में सुषुप्ता आ जाती है, रतौंधी यानी रात को दिखाई नहीं देता। अब नंबर दो बात करते हैं विटामिन बी की। विटामिन यानी वसा में घुलनशील जो हमने पढ़े, उसमें पढ़ा था हमने ए डी ई और के, तो दूसरे नंबर पे आता विटामिन डी। विटामिन डी इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका स्रोत, तो इसका स्रोत रहेगा, मतलब इसका जो प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। यानी हमारी जो त्वचा होती है, इस त्वचा में एक वसा वसीय पदार्थ जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। इस कोलेस्ट्रॉल के साथ जब पराबैंगनी विकिरणें, पराबैंगनी विकिरणें गिरती है तो ये विटामिन डी का निर्माण कर देती है, विटामिन डी बनाती है, विटामिन डी बनाती है। वैसे इसके स्रोत और बात करें तो इसको वैसे कहते हैं, इसका जो स्रोत होता है यानी ओलिगोस्टेरॉल, इससे बिल्कुल क्या बन जाता है? ओलिगोस्टेरॉल। तो ये जो है इसका प्राकृतिक स्रोत है विटामिन डी। ठीक है, अब रहे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, तो इसके लिए ट्रिक्स तैयार की गई है, वो ये है, यानी रियाज एक ट्रेनिंग है। रियाज क्या है एक ट्रेनिंग है। अब री जो शब्द है वो है, यानी एक रोग होता है इसकी कमी से रिकेट्स रोग, कौन सा रोग? रिकेट्स। और रिकेट्स में अस्थियां जो होती है, अस्थियां असामान्य हो जाती है। और बच्चों में ये जो रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, इसको हम सूखा रोग नाम देते हैं, सूखा रोग कह देते हैं, मतलब सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो आ है, मतलब इसे याद रखना होगा आपको, दो नंबर जो रोग होता है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग। और इस ऑस्टियोमलेशिया रोग में ऐसे याद रखना होगा, अस्थियां नम हो जाती है, तीन नंबर रोग की बात करें तो इसमें देखो रियाज एक ट्रेनिंग है, मतलब तय शब्द है, तो इसे आपको याद रखना होगा टिटेनी रोग। कौन सा रोग है? टिटेनी, यानी जो पेशियां होती है उसमें, पेशियों में जो है ऐंठन आ जाती है, तो ये थे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश, त्वचा के अंदर कोलेस्ट्रॉल होती है, पराबैंगनी विकिरण इसके साथ जब मिल जाती है तो विटामिन डी बनती है। और इसकी कमी से होने वाले रोगों की बात करें तो आपको ट्रिक्स बता दी, रियाज एक ट्रेनिंग है यानी रिकेट्स, आ आपको याद रखना होगा ऑस्टियोमलेशिया, और ट्रे मतलब टै यानी टिटेनी रोग। तो ये तीन प्रकार के रोग जो है विटामिन डी की कमी से होते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपने अगले विटामिन ई की तरफ, विटामिन ई। अगला विटामिन रहेगा अपने विटामिन ई, विटामिन ई। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हमें याद रखना होगा गेहूं, हरी सब्जियां, मांस, एपीसी, मतलब
इत्यादि। तो ये जो विटामिन ए के स्रोत है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ई की जो कमी होती है, इससे एक तो त्वचा को जो सुरक्षा मिलती है उसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा विटामिन जो ए होता है, ई होता है, यह सौंदर्य प्रसाधन जो सामग्री होती है उसमें पाया जाता है, और इसके इसी तरीके से याद रखें, मतलब सौंदर्य प्रसाधन मतलब सोया, तो यानी सोयाबीन भी इसका एक स्रोत होता है, यानी सोयाबीन जो है वो भी एक इसका स्रोत होता है। मतलब सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन में यह विटामिन सर्वाधिक पाई जाती है, यह विटामिन सर्वाधिक होती है। इसके अलावा जो विटामिन ई है, यह त्वचा के ऊपर जो झुर्रियां पड़ती है उसे ठीक करने में सहायता करती है। तो ये है विटामिन ई स्रोत रहेगा गेहूं, हरी सब्जियां, मांस, सोयाबीन। कमी से त्वचा जो होती है उसको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उसमें क्या जाती है, कमी आ जाती है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में यह सर्वाधिक पाई जाती है। सोयाबीन में यह जो विटामिन है वो क्या होती है, सर्वाधिक। और त्वचा के ऊपर जो झुर्रियां पड़ती है वो भी इसी की सहायता से जो है ठीक होता है। इसके अलावा यदि विटामिन ई की कमी होती है तो तुरंत ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तुरंत ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये थे विटामिन ई। इसके बाद में अगला विटामिन के, विटामिन के में स्रोत रहेगा टमाटर, लहसुन, अंडा इत्यादि। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है, विटामिन के की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं हम, मतलब थक्का नहीं बनता इस विटामिन के की कमी के कारण, इसको नाम दिया जाता है हाइपो प्रोथ्रोम्बिनिया, या फिर इसी रोग को हम नाम दे देते हैं हेमरेज रोग, हेमरेज रोग। इस विटामिन की कमी से एक प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ होता है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, जो रक्त का थक्का बनाता है, थक्का बनाता है। तो इस
स्कंदक पदार्थ कह सकते हैं इसको, प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ की क्या हो जाती है, कमी। तो जो रक्त है वो चोट लगने पर ऐसे मानो कह सकते हैं कि लगातार जो है बेहतर बेहतर रहता है, और इसको कहते हैं हाइपो प्रोथ्रोम्बिनिया, प्रोथ्रोम्बिनिया। तो ये थे विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, ए डी ई और के। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे जल में विलयशील विटामिन, जल में घुलने वाले विटामिन। तो इसके अंदर हमने दो पढ़े थे, एक तो आपको बताया विटामिन बी, एक तो विटामिन बी और एक हमने पढ़ा विटामिन सी। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं विटामिन बी की। विटामिन बी में कई प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी वन की। ये कंप्लीट हो चुका अपना, इसकी चर्चा कर रहे हैं विटामिन बी वन का स्रोत क्या रहेगा। विटामिन बी वन जो है उसके स्रोत में एक तो रहेगा मटर के जो बीज होते हैं, मटर के बीजों से जो है बी वन प्राप्त होता है, और इसके अलावा सेम की जो फली है, सेम की फली। और बी वन जो विटामिन है उसको हमें थायमीन कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है, थायमीन। तो थायमीन के जो स्रोत है वो कह सकते हैं मटर के बीज, सेम की फली। और विटामिन जो बी वन है इसकी हो जाए मतलब कमी, इसकी कमी हो जाए तो हृदय की धड़कन प्रभावित होती है, हृदय की धड़कन प्रभावित होती है। इसके अलावा यह विटामिन त्वचा को सुरक्षा भी पहुंचाता है, पेशियों की सुरक्षा भी करता है। तो यह विटामिन बी वन जिसको हम थायमिन कहते हैं। अब करते हैं विटामिन बी टू की बात। विटामिन बी टू, विटामिन बी टू यानी विटामिन जो बी टू होता है उसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन का जो स्रोत होता है उसके लिए आपको बता दूं कि वैसे ट्रिक्स याद रखना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं मा दू यह फल खाता है, मतलब मा से बनता है मांस, दू यानी दूध, य से यकृत और फ से फल, यानी ये सभी जो है वो इसके स्रोत हैं। तो मांस, दूध, यकृत और फल, इनसे ये जो है राइबोफ्लेविन जो विटामिन प्राप्त होता है। और इसकी कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो होता है पहला बात करें तो इसको कहते हैं हम किलोसिस, क्या कहते हैं किलोसिस। अब किलोसिस में याद रखना मतलब जो कह आया है यानी किनारे, तो इसमें होंठ के किनारे जो है वो फट जाते हैं, होंठ के किनारे फट जाते हैं। दूसरा रोग होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस यानी जो त्वचा होती है त्वचा पर मोम का जमाव हो जाता है। तो ये दो प्रकार के जो रोग है वो विटामिन बी टू से होते हैं जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसको दोबारा दो रोग जैसे किलोसिस और सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो है रोग होते हैं। अब अगला विटामिन बी फाइव जिसको पेंटाथेनिक अम्ल कहते हैं, जिसको नाम दिया जाता है पेंटाथेनिक
अमर, सॉरी इससे पहले बी थ्री करना बाकी है, बी थ्री, तो बी थ्री को कहते हैं नियासिन, क्या कहते हैं नियासिन। अब नियासिन का जो स्रोत है वो कौन सा रहेगा, इसके लिए एक ट्रिक्स और है भाई, माँ वही नाम रहेगा, माँ दो चावल पर शक करता है, चावल पर शक करता है, मतलब वही रहेगा मांस, दूध से बन जाएगा दूध, और ये होता है चावल की भूसी, और शक जो है यानी शक्करकंद से जो है प्राप्त होता है। तो ये विटामिन बी थ्री के जो है स्रोत रहेंगे, और नियासिन जो है इसकी हो जाए कमी, क्या हो जाए कमी, तो कमी हो जाए तो जो त्वचा है उसके ऊपर पपड़ियां बन जाती है, यानी उसको हम कहते हैं पलेग्रा रोग, क्या कहते हैं पलेग्रा रोग हो जाता है। तो हमने पढ़ लिया विटामिन बी वन बी टू और बी थ्री, अब बात करेंगे अगला बी फाइव, विटामिन बी फाइव, बी फाइव जिसको हम कहते हैं पेंटाथीनिक अम्ल, पेंटाथीनिक अम्ल। अब इसके जो स्रोत की बात करें तो इसमें रहेगा एक तो अंकुरित बीज, गेहूं, मांस इत्यादि, ठीक है। अब पेंटाथीनिक जो अम्ल है इसकी यदि हो जाए कमी, क्या हो जाए कमी, तो इसकी कमी से एक रोग होता है डायरिया रोग, कौन सा रोग डायरिया, एक डिमेंशन कह देते हैं, मतलब याददाश्त जो है कमजोर हो जाती है, याददाश्त क्या हो जाती है कमजोर हो जाती है। एक और भी होता है डर्मेटाइटिस रोग, भी इसी से होता है डर्मेटाइटिस रोग, ये भी विटामिन बी फाइव यानी पेंटाथीनिक अम्ल के द्वारा कमी के द्वारा जो है हो जाता है। इसके बाद में अगला विटामिन, विटामिन बी सिक्स, विटामिन जो बी सिक्स होता है उसको बोलते हैं पाइरीडॉक्सिन, क्या कहते हैं पाइरीडॉक्सिन, और इसके स्रोत की बात करते हैं, इसके स्रोत की बात की जाए तो अपने रहेगा मांस और सब्जियां इत्यादि, तो इन सभी से जो है पाइरीडॉक्सिन जो है प्राप्त होता है, और जिसकी हो जाए मतलब कमी हो जाए तो इसके द्वारा जो है एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। तो यह विटामिन बी सिक्स जिसको पाइरीडॉक्सिन कहते हैं। अगला विटामिन, विटामिन बी नाइन, तो बी नाइन को हम कहते हैं फोलिक अम्ल, क्या कहते हैं फोलिक अम्ल, और दूसरा नाम भी इसका है, मतलब इसको दूसरा नाम ग्लूटेनिक अम्ल भी नाम दे दिया जाता है, ग्लूटेनिक अम्ल। अब इसके स्रोत की बात करें तो इसका जो स्रोत है वो होता है यकृत और सोयाबीन और हरी सब्जियां, तो ये सभी जो स्रोत है वो बी नाइन यानी फोलिक अम्ल के। यदि इसकी हो जाए कमी, यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे अल्सर रोग और जो है फाले हो जाते हैं, अल्सर और फाले हो जाते हैं, तो ये है विटामिन बी नाइन। उसके बाद में एक और विटामिन है जिसको हम कहते हैं विटामिन बी बारह, और विटामिन बी बारह का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन,
कोबालमिन, साइनो कोबालमिन। साइनो जो कोबालमिन है इसके स्रोत की बात की जाए तो इसका जो स्रोत है वो होता है अंडा, दूध और मांस। अंडा, दूध और मांस। ये जो साइनो कोबालमिन होता है इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, कोबाल्ट की मात्रा उपस्थित होती है। इसके बाद में और बात करें तो यह जो साइनो कोबालमिन है आरबीसी का परिपक्वन करता है, आरबीसी का परिपक्वन करता है, मतलब मैच्योरिटी लाता है आरबीसी यानी रक्त के अंदर जो हमने पड़ी। अब यदि इसकी हो जाए कमी यानी साइनो कोबालमिन की हो जाए कमी तो इससे वैसे तो एनीमिया वो कहते हैं लेकिन यानी ये विटामिन बी 12 जिसको हम साइनो कोबालमिन कहते हैं तो इसका थोड़ा नाम चेंज है और उसको कहते हैं हम परनीशियस, परनीशियस एनीमिया। कौन सा रोग है? परनीशियस एनीमिया रोग। और परनीशियस एनीमिया रोग में होता क्या है यानी जो आरबीसी होती है तो ये आकार में चेंजिंग होती रहती है, मतलब इसकी आरबीसी की संख्या भी बढ़ती रहती है, संख्या बढ़ती है और कभी घटती है और इनका आकार भी जो है बदलता रहता है, आकार भी बदलता है। तो इसी कारण यहाँ पर जो रोग का नाम वो चेंज हो गया, मतलब परनीशियस यानी B6 में हमने पढ़ा था एनीमिया रोग और आगे से याद रखना यानी 12 B12 में होता है परनीशियस एनीमिया रोग। इसके अलावा एक विटामिन और भी होता है जिसको विटामिन एच यानी विटामिन एच या उसको B7 के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं डर्मेटाइटिस रोग। तो ये थे अपने विटामिन वसा में घुलनशील और जलन में घुलनशील, यानी एक बार थोड़ा रिपीट और कर देता हूँ। वसा में विलेय जो होते हैं वो होते हैं A D E और K और जल में जो घुलनशील है वो होते हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स और सी को सी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो थे विटामिन बी। अब एक बाकी हो रहेगी आपने विटामिन सी। सी को हम कहते हैं यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और इसके स्रोत की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन जो है मिलता है, जैसे मतलब टमाटर की बात करें टमाटर है, नींबू है, संतरे है, ठीक है, सिट्रस कुल के जो पौधे होते हैं उन सभी के अंदर जो है ये एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी जो है मिलता है। और इसकी कमी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? सकरवी रोग हो जाता है। सकरवी रोग यानी जो मसूड़े होते हैं मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में खून बहता है, ठीक है। तो ये थे अपने विटामिन्स, मुख्य मुख्य कौन कौन से थे, उनके रोग उनके स्रोत कौन कौन से थे, कुछ ट्रिक्स भी आप लोगों को बताई। तो ये है विटामिन। अब अगले वाले टॉपिक में नया जो है टॉपिक लेकर फिर जो है हाजिर होंगे, तब तक के लिए एक बार फिर आप लोगों को नमस्कार।